where the stars sound free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, boom, boom. Welcome to another vlog. Yes, I'm in a very good mood. जब मैं इसे चीक के इंट्रो देती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ. खुश होने का कोई कारण नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ वेरी रिलैक्सिंग डे टूडे. दैट कुड बी द रीजन, बट आई डोंट नो. सो द थिंग इज दैट आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑफ 2 o'clock राइट एट माई सैलॉन, जहाँ पे मैं जाती हूँ अपनी सारी सर्विसेज के लिए. टूडे आई हैव टू गेट सो मेनी थिंग्स डन. लाइक क्योंकि होली थी तो होली से पहले मतलब सब चीजों की बारी आ चुकी थी, लाइक वैक्सिंग एंड ऑल. अभी मैंने आपको अपनी टांगे दिखा दी, आप बोलोगे कमल की टांगे हैं ये, वैसा झाड़ उग रखा है. सो सोचा था मतलब बारी आ रखी थी होली से पहले, बट देन आई थॉट अरे कलर्स वालर्स लग जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अब एक ही बार जाऊंगी होली के बाद. एंड देन वो आते 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 अब फाइनली बारी आई है. टूडे आई हैव द अपॉइंटमेंट. आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम माई होम and we are going to the salon. Stars are free. Party all day every weekend. Make it boom boom to the beat. Make it boom 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 boom. Fly with the stars, I'm free. I'm free. Party all day every weekend. Make it boom boom to the beat. To the beat, yeah. Make it boom 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 boom. I'm glad to be alive, alive, alive. Yeah. Cause I don't wanna waste my time, no. I'm young and dumb and hopeless, right? But I'm bound to turn out alright, yeah. The city's really not my vibe now. So I'm moving out my parents' house. Okay, mera hair spa ho gaya. Abhi we will start with waxing. To go and live another life where my dreams only down and down. I'll hang out with the folks on screen. ओके डन डन डन. ऐसे लग रहा है बॉडी का आधा किलो वेट कम हो गया है आफ्टर वैक्सिंग. इट फील्स लाइक दैट. ओके तो अब काफी लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि मैं वैक्सिंग क्यों करवाई है, मैंने तो वो लेजर ट्रीटमेंट करवाया था राइट. बट हुआ ये था, इट वाज इन द मिडिल ऑफ कोविड वाला, आई थिंक सेकंड वेव आई थी तब, और मैंने स्टार्ट करा लिया था ये सोच के कि अच्छा फर्स्ट वेव खत्म, हाँ कोविड खत्म, तो मैंने स्टार्ट करा दिया. एंड देन सेकेंड वेव केम, तो तब क्या हुआ था मेरी सिटिंग्स अधूरी रह गई थी. सो अगर आपको लेजर ट्रीटमेंट कराना होता है तो आपको पूरी आई थिंक 6 sittings या 7 sittings का सीन होता है, वो करवाना होता है, तो जो मेरी नहीं हो पाई, तो इसलिए मेरी ग्रोथ वैसी ही आती है. 2-3 करा के ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मुझे वैक्सिंग फिर से करानी पड़ती है. एंड ऑनेस्टली लेजर ट्रीटमेंट अभी मुझे पता नहीं है इफ आई हैव दैट मच टाइम कि मैं 7 sittings वापस से स्टार्ट करूं. लेट्स सी अगर करी तो, बट अभी के लिए आई एम गेटिंग माई वैक्सिंग डन ओनली. एंड नाउ आई एम हेडिंग होम. मेरे से तो नहीं खुल रहा यार. मेरा एक काम करके दो ना, ये खोल के दो ना प्लीज. हाय हेलो ओले ओले ओले. फ्रेंडली है? हाय हाय. आप तो मेरे एटम जैसे दिखते हो, पता है मेरे पास शेम टू शेम है. ओले कितने साल का है ये? 2 साल का है. अच्छा अभी बहुत छोटा है. हाँ जी हाँ जी. ही कैन स्मेल डॉग्स. खुल गया? हाँ थैंक यू. एक्चुअली ना पानी बहुत कम पीती हूँ. ओ गॉड आई नीड टू मेक सम मेजर चेंजेस इन माय लाइफस्टाइल. तो पानी कम पीने की वजह से, और प्लस मेरे लिप्स हमेशा से लाइक बचपन से ड्राई रहते हैं, ऊपर से मैं पानी कम पीती हूँ, तो इसलिए मेरा लिप्स का बहुत बुरा हाल रहता है. तो मैं ऑलमोस्ट हर जगह लाइक अपने हैंड बैग में, अपनी गाड़ी में, हर जगह पे रखती हूँ लिप बाम, फैले रहते हैं सब जगह. यश मेरा बेटू. यश मेरा हेलो. हाई फाई करना आपको? हाई फाई करना है, हाई फाई करना है. मेरा बबलू ये कौन है? अरे बाप रे बाप रे, ये इस एंगल से देखो तो कहीं से सुंदर लगती है मिष्टू. कहो मम्मा मैं ना सारे एंगल से क्यूट लगता हूँ, ज़्यादा मत बोलो. पूछी पाई पूछी पाई पूछी पाई. अटू कहाँ है?
हाँ अच्छा अट्टू को ना करू प्यारो मिश्री अवे राइट नाउ गुड बॉय अट्टू बिस्किट मिलेगा बिस्किट बिस्किट दे बिस्किट दें दोनों बच्चों को आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्या है क्या है बिल्कुल भैया को फुटेज नहीं लेने देती तू मम्मा के ब्लॉग में बताऊं तेरे को क्या नहीं कर रही मैं नहीं कर रही पहले तो ये चादर ठीक करो सारा सोफे का नाश बच जाएगा हटो यहाँ से अवे राइट नाउ मैं मारूंगी तेरे को जल्दी हट जा निकलो यहाँ से पापा अब मुझे लग रही है हद से ज्यादा भूख मैं कर रही हूँ ये जो सलामीज हैं इनको थोड़ा सा वार्म करूंगी और खाऊंगी कमल गया हुआ है जिम तो हम हैं घर में अकेले वाह 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 Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite kiss still burning. Okay, so these are the salamis. Garam kya matlab thodi crispy kar leti hu, bahut tasty lagti hai mujhe. Addicted somehow, let me tell you why, what is up with your smile, it's impossible, not no take, irresistible, when in your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this circle. Look who is here. Putri, do mujhe. कमल योगा करके आया है इसलिए ऐसे ही बड़ा तुम्हें भी योगा करना अब मैं सिचुएशन क्रिएट करूं फिर देखूं वहां पे तुम्हारा टेस्ट लूं शांत रहते हो कि नहीं क्या कर्तव्य का पालन करो भूख लगी क्या खाओगे क्या खाओगे माय फेवरेट क्या सलामी सैंडविच फ्लाई विद द स्टार्स ऑफ फ्री ओके लेट्स गेट फ्रेशन अप मैंने आज ब्लो ड्राई नहीं करवाया That is because जब हेयर स्पा लेते हैं तो हीट अगर अपने बालों को ना दो तो इट्स ऑलवेज बेटर तो इसलिए हम ब्लो ड्राई नहीं करवाया जिसकी मुझे आदत नहीं है मेरे बाल हमेशा ब्लो ड्राई ही रहते हैं यूजली ओके वॉशिंग माई फेस डन Now, skincare using these two products. First one is this red wine night gel cream from the brand Pilgrim. Throughout the night, जब आपकी skin काम करती है, तो सुबह एकदम से बहुत ही face जो है fresh, soft, plump और supple ये सब feel होता है. Once this goes in properly, I take my second cream that is for the under eyes. Now this is the red wine under eye cream with retinol and vitamin C from the same brand that is Pilgrim. ये तो बहुत ही ऐसे चुन्नू सी लेती हूँ मैं. और ये एंड दैट्स इट द फेस इज रेडी अब मैं जाऊंगी और डिनर करूंगी डिनर इज रेडी डिनर करूंगी सो जाऊंगी आप लोगों को सुबह मिलूंगी ये व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे और कल मिलती हूँ आपसे बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग मिस्टा गुड मॉर्निंग ये मिस्टू हु इज योर फेवरेट पापा और मम्मी मिस्टू हु इज योर फेवरेट मम्मा और पापा पापा नहीं मम्मा भी बोली दोनों है बोली दोनों है पापा फिर मम्मा अच्छा ठीक है चलो है तो मम्मा भी ना लेकिन गुड मॉर्निंग गुड क्या गुड ये ले काट ले अब काटती नहीं हमारी बच्ची बहुत प्यारी इसको पकड़ के रखना गुड मॉर्निंग अट्टू गुड मॉर्निंग अट्टू शेक हैंड कर दो शेक हैंड फिर बिस्किट दूंगी शेक हैंड शेक हैंड गुड बॉय इस तरीके से पकड़ना पड़ता है इस लड़की को अगर एटम को कभी कैमरे में लेना हो तो गुड मॉर्निंग गाइस व्हाट इज अप वेलकम टू द नेक्स्ट डे सेकंड डे मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफी और कमल पी रहा है अपनी व्हाइट कॉफी इट्स कैपेचिनो नहीं नहीं इट्स फेटाचिनो इट्स जैपेचिनो ज्योति ने बनाई है जैपेचिनो तुमने सिर्फ दूध गर्म किया है कमल बैठ के एक घंटा फेट रहा था उसको मैंने सिर्फ दूध गर्म करके इसमें डाला है पर क्या अगर मैं दूध ना डालती तुम्हारी कॉफी बनती व्हाट वाज कॉफी विदाउट मिल्क मैं जाके दूध गर्म कर लेता इसमें क्या होगा लाओ फेच कराऊंगा पता नहीं कहां से इसके अंदर आती है देती नहीं है अपना ये वाला टॉय ये लो फेच करेंगे फेच आज जो है कपड़े धुलने हैं बाय द वे हमारे यहाँ दो बास्केट्स होती हैं एक फॉर द मिसलेनियस लाइक बेड शीट्स टॉवल्स और एक होती है कपड़ों वाली जो मतलब हम पहनते हैं कपड़े सो आई थिंक आई एम गोना वॉश दीज टुडे
एंड ये है हमारा वॉशिंग एरिया जो कभी आप लोगों ने नहीं देखा है. यहाँ पे सब ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान, सिलेंडर्स, एक एक्स्ट्रा एसी है हमारे पास, वो पड़ा है, वॉशिंग मशीन है, पोछे, झाड़ू, डस्टिंग वाला कपड़ा एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, ये यहाँ पे होता है. ओके, एक बज गया है. आई एम गोना हैव माय लंच, काले चने और मिस्सी रोटी, मिस्से पराठे एक्चुअली, एंड वी हैव गॉट छाछ, माय फेवरेट लस्सी, नमकीन लस्सी. ये जो आप डिस्कशन कर रहे हो, इफ यू थिंक दैट्स, यस आई एम वाचिंग दिस गाइस, आई एम टोटली फॉलोइंग दिस. सो कमल इज इन द स्टूडियो, आई एम टेकिंग कमल्स लंच, इट्स पैक्ड. तो क्यों कमल यहाँ पे है और क्यों ये सब है? बिकॉज एसी का पीछे से जो फिटिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो ये तीन दिन से गाइस, तीन दिन से काम चल रहा है ये सब. ओ गॉड, दिस ब्रेक्स माय हार्ट ऐसे देख के. तो ये सब पीओपी निकाल के अंदर से पाइपिंग चेंज हो रही है और लॉट ऑफ वर्क सब कमल करा रहा है, थैंक्स टू हिम. के लास्ट तीन दिन से कमल इज गिविंग ड्यूटी इस काम के लिए. थ्री फोर मोर डेज, पाइपिंग चेंज होगी और पूरा एसी बंद लगेगा. हाँ. उसके बाद हम इसको खुला छोड़ेंगे, प्रेशर डालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कोई लीकेज तो नहीं है. हाँ. तो वो चीज होगा, फिर वो पीओपी वाला आएगा. पीओपी वाला एक दिन आके पहले सिर्फ पीओपी लगाएगा, एक दिन वो छोड़ेगा, फिर अगले दिन पेंट होगा इसका, तो लगेगा टाइम लगेगा. खाना तो और ये क्या लेके आएगा? ओके, अब किचन का तो ये हाल हो रखा है, खाना कैसे डालूं मैं अभी, मैं खाना कैसे डालूं? ये रहा शेल्फ और इसके आगे इतना सामान है, अभी मूव करो हल्का सा. लो भाई, ओके डन. थोड़े से बर्तन हो गए थे यहाँ पे बिकॉज कमल इज लाइक हियर फ्रॉम लास्ट थ्री डेज. वी आर डन. कम, गुड टू गो, मतलब आई कैन गो. ओके, सो सुबह से मैं इन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी सारी, उधर घर और ये वाला काम. तो अभी मैं फाइनली जाऊंगी और नहाऊंगी. आई हैवन टेकन बाथ सिंस मॉर्निंग. येस आई हैव ईटन, येस आई हैव डन एवरीथिंग, बट आई डिड नॉट गेट टाइम. सो नाउ आई विल गो एंड टेक बाथ. ओके, हैव रीच्ड. एक्चुअली मैं अभी भी नहीं नहा सकती बिकॉज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है जो नहाने से पहले ही होगा, जो कि है नहीं नहीं, जो हम ऊंचा नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दोनों बच्चे भाग जाएंगे, बट दोनों की निगरानी बिकॉज मिष्टी का एक्चुअली आई कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग इट. सो एटम का अपन कर देते हैं. अट्टू चलो बेटा, फाइनली आज आपकी नाई नाई होगी. मिष्टू आप भी करोगे क्या नाई नाई? चलो आ जाओ फिर, नाई नाई करेंगे. चलो आ जाओ नाई नाई. चलो क्या हुआ, देखो काटती है. चलो नहीं नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, नहीं 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 करेंगे. अच्छा अट्टू आ जा, आ जा मेरा बच्चा. मम्मा ये आप क्या कर रहे हो मम्मा? क्यों कर रहे हो आप मम्मा ऐसा मेरे साथ? चलो ओके. चलो नो बाहर नहीं निकलना, रुक जाओ, मम्मा टावल लेके आ रही है और आपका सामान लेके आ रही है. ओए मेरा बच्चा कितना डर जाता है ना, रुई है ना तो गीली हो जाएगी तो फिर ठीक नहीं हो पाएगी, है ना, रुई है ना. Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite kiss still burning, didn't know I missed this passion in life, now I'm addicted somehow. Let me tell you what is up with your smile, it's impossible, not melting, irresistible, when I look in your eyes. आ जाओ बस, रेडी रेडी टू गो आउट. बिस्किट मिलेगा फिर बस. मिष्टू कहाँ हो आप? चलो आपकी बारी है नहाने की, चलो आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ बाहर, आ जाओ जल्दी. चलो नहीं नहीं करेंगे, आ जाओ नहीं नहीं, आ जाओ नहीं नहीं करेंगे. चलो भाई आ जाओ जल्दी, आ जाओ चलो 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 जल्दी. ओह गॉड, एटम इज वेटिंग फॉर द बिस्किट. कौन है एटम?
तो एटम को ट्रीट मिलती है जब वो नहा लेता है, जैसे हम पे एहसान करता है। बट एनी वे, तो अभी मैं जाती हूँ और फ्रेश फ्रेश होती हूँ, इनको बिस्किट विस्किट देती हूँ। मिष्टी को तो मैं सोच भी नहीं सकती नहलाने का, बिकॉज शी इज़ वेरी वाइल्ड, तो मार देती है, गंदा मार देती है वो, तो काट भी लेती है, तो इसलिए आई डोंट इवन ट्राई। बट एटलीस्ट मैं एटम को आज नहला दिया है, तो मिष्टी की जब बारी आएगी तो आएगी, जब कमल ही फील्स फ्री तो फिर वो करवा देगा। एनी वे, सो आई विल सी यू गाइज इन अ वाइल नाउ, और या मैं नहाने जाती हूँ। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी जल्दी। Fly with the stars, I'm free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Fly with the stars, I'm free. Okay, took bath. कई बार ऐसी होता है कि कई बार ऐसे ही होता है कि काम खत्म होते होते घर का इतना टाइम हो जाता है, अभी 2:30 बज गए हैं, एंड नाउ आई फील कि अच्छा चलो ठीक है, आई कैन नाउ एडिट। अब मैं बैठ के अपनी वीडियो एडिट करूँगी, थोड़ा गेम वेम खेलूँगी, ऐसा कैंडी क्रश टाइप। नाउ आई हैव नथिंग टू डू ऐसा। ओ, बच्चों को दोपहर का खाना देना है। ओके, आई गेट बैक, बाय। बच्चा पार्टी खाना कौन खाएगा? मिष्टू खाएगा कि अट्टू खाएगा कि दोनों खाएंगे? एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। दिस इज द वीडियो दैट वी आर एडिटिंग गाइस। आप ये देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वीडियो किस बारे में है। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू पूरा बाहर आ जाओ। मम्मी, हाँ जी, हाँ जी, शेकन, शेकन, हाई फाइव, गुड गर्ल मिस्टा। इसको यही लग रहा है कि भाई आज तो मुझे कोई तो नाई नाई करा देगा, मम्मी नहीं तो पापा, तो आज नीचे ही रहो, कोई नहीं करा रहा तुमको नाई नाई। आ जाओ चलो बाहर, आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। ओके, शाम हो गई है। ब्रोकली पड़ी थी घर में, जो एक्चुअली खाने का मन नहीं हो रहा था, बिकॉज अभी रिसेंटली खाई थी, ज़्यादा आ गई थी। सो आई मेड ऐसे प्याज, बेसन, सूजी, ब्रोकली और ये सब चीज़ें डाल के आई हैव मेड टिक्कियाँ, जिनको अब हम थोड़ा सा मतलब डीप फ्राई तो नहीं, शालो फ्राई करेंगे। अब ये तैयार हो जाएंगी तो मैं ये लेके जाऊंगी कमल के पास वापस से, बिकॉज अभी भी एसी का काम चल रहा है। ले कोको, कैसे मस्त? ओके गाइज, सो दिस इज इट आई थिंक। अब कुछ खास ऐसे होने नहीं वाला, दिस इज हाउ द डे गोज एक्चुअली। सारा दिन घर के काम या फिर एडिटिंग, और अगर शूट होता है तो उस दिन शूट होता है। मेरी तो चल रही है एडिटिंग ही अभी भी, साथ साथ मैं देख रही हूँ लॉकअप। आप लोग बताओ, आप लोग लॉकअप देख रहे हो क्या? स्टार्टिंग में एक्चुअली, बिकॉज हम लोगों को बिग बॉस की इतनी आदत डली हुई है, लाइक 15-16 सालों से हम लोग बिग बॉस देखते आए हुए हैं, तो हम लोग और कुछ चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। स्टार्टिंग में तो मेरे लिए मुझे उतना मज़ा नहीं आया, मन कर नहीं आया, मैंने ये नहीं मैं देख पाऊंगी। बट देन वंस यू कनेक्ट विद इट, वो मेरा हो गया लॉकअप के साथ, and I'm really liking the show, and the thing is that they've just done their they've tried their best to make it not look like Big Boss, like koi cheez agar hoti hi ek tarike se hai, like agar koi announcement honi hai to wo ek hi tarike se honi hai na, to still they've tried their best ki kaise wo announcement Big Boss ki tarah na ho, you know, to isliye unhone bande khade kar diye announce karne ke liye, aur
चिट्ठी पढ़ने की जगह टीवी पे लिख दिया. तो देव जस्ट डन देयर बेस्ट टू नॉट मेक इट लुक लाइक बिग बॉस. बट अल्टीमेटली स्टोरी लाइन सबका यही है कि भाई कुछ लोग रहेंगे अंदर और वो टास्क करेंगे. एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है जो अभी मैं एक्चुअली बहुत लेट शुरू किया है इसको फॉलो करना, अब जाके मैं 6th एपिसोड में पहुंची हूँ. तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, मुझे जो अच्छी लग रही है वो ये है कि यहाँ पे वो चीटिंग अलाउ नहीं कर रहे. आगे भी एपिसोड्स में क्या होगा मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताना कि क्या आपको भी ऐसा, अगर आपने आगे तक देखा है तो ऐसा ही है अभी भी या नहीं है. बट देयर नॉट अलाउइंग चीटिंग. तो एक मैंने टास्क देखा जिसमें करणवीर बोहरा ने आई थिंक चीटिंग की, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लाइक डिस्क्वालीफाई ही कर दिया. और जानबूझ के वो ऐसी सिचुएशंस लाइक टास्क भी जो ऐसे हैं, जैसे बिग बॉस में टास्क ही ऐसे दिए जाते हैं जो छीना झपटी के ही हों या फिर यू नो नाना करते भी हाथापाई हो ही जाए, तो वो चीज़ें मुझे लॉकअप में नहीं दिख रही है. मुझे उस सेंस में ये एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पे दिमाग वाले टास्क, अभी तक जो भी मैंने दो तीन टास्क देखे हैं वो यही है, दिमाग वाले टास्क हैं. सो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस. बस अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही. टेक केयर गाइज, टाटा, सी यू वेरी सून.